अच्छा जो अनिका, तू कुछ खा क्यों नहीं रही? दादी इट्स ओके, होता है होता है। अनिका तुम उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो? अभी बताया ना मम्मी, होता है होता है, होने दो। पर क्या गौरी को बड़ी हंसी आ रही है? होता है होता है, कहा था मैंने। तू भी उल्टे हाथ से खा रही है? अरे तुम दोनों बहुओं को आज हुआ क्या है? दादी अभी मैंने बताया ना आपको, होता है होता है, होने दो। ये क्या होता है लगा रखा है? Can you please explain what's happening? Yeah. मेरा नहीं हो रहा ना। Shut up, Rudy. Shut up. माँ अब आप भी? अब आपको क्या हो गया है माँ? कुछ नहीं, होता है होता है। दूसरों की जिंदगी में जहर खोल के बहुत खुशियां मना ली तुम लोगों ने। Now it's payback. ज़बान संभाल के बात करो। अब पता था सबसे पहला रिएक्शन आप ही की साइड से मिलेगा। बड़े भैया आफ्टरऑल आप द ग्रेट वॉल ऑफ शिवाय सिंह ओबेरॉय जो हैं। लेकिन यू नो व्हाट, आज जो मैं आपको कहने वाला हूं ना, वो सुन के सबसे ज्यादा शॉक आप ही होने वाले हो। जब ओबेरॉय की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी ना, तो आई एम श्योर कि आपकी जो भी गलत फहमी है वो सब दूर हो जाएगी और आपको भी समझ में आ जाएगा कि ओबेरॉय कितने घटिया और कितने गिरे हुए लोग। हाउ डेयर यू? शिवाय शिवाय नहीं, शिवाय नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? दिमाग खराब हो गया इसका। हमने इसे इस घर में रहने दिया, इस पर पूरा ट्रस्ट किया और ये आस्तीन का सांप बनकर हमें डसने लौटा है। डसा तो आप लोगों ने था 25 साल पहले। जबान संभाल के बात कर। तू शायद भूल रहा है तू कहां पे खड़ा है। मुझे अच्छी तरह से पता है रूडी बॉय कि मैं कहां खड़ा हूं। शायद दौलत के नशे में ना तुम लोग सब कुछ भूल चुके हो। मैं वही सच बताने आया हूं जो 25 साल से तुम लोगों ने दबा के रखा है। सच? कैसा सच? कल्याणी मिल का सच। उस आग में सिर्फ कल्याणी मिल नहीं जली थी, ना जाने कितनी जिंदगी, कितनी खुशियां, कितने परिवार और कितने सपने जले थे। हमें क्या बता रहे हो? We know everything. You know everything, हाँ? Yes. Mr. Tej Singh Obray, you know everything. Yes. क्या आपको यह बताया कि उन सैकड़ों लोगों में मैं भी था? मेरा भी सब कुछ जल के राख हो गया वहां पे। Okay, वो एक हादसा था, it was an accident. वो एक्सीडेंट नहीं था, वहां आग लगवाई गई थी। In fact,
वहां किसी ने आग लगाई थी और वो आग लगाने वाला इस वक्त यहीं मौजूद है। इंश्योरेंस के पैसे से तुम लोगों ने ये ओबेरॉय एम्पायर तो खड़ा कर लिया, लेकिन ये भूल गए कि अपने पापों की सजा ना इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। इस ऊंचे महल की नींव ना जाने कितने लाशों पर रखी गई है, उन बेचारों पे क्या गुजरी है ये तुम लोग अब समझोगे। अब समझ में आएगा तुम्हें जब वो चीज तुम लोगों पे गुजरेगी। एक सेकंड, किस बेसिस पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है? हाँ, जो 25 साल पहले हुआ वो एक एक्सीडेंट है और ये साबित हो चुका है। और तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे घर में आके कुछ भी कहोगे और मान लेंगे? आई डोंट नो व्हाट योर एजेंडा इज, लेकिन हम ओबेरॉय ऐसे नहीं है। अरे मेरे गालिब, तुम ओबेरॉय को मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है, क्योंकि मैं खुद एक ओबेरॉय हूं। विशाल सिंह ओबेरॉय, याद है ना आप लोग को? भूल तो नहीं गए? आप लोगों के कजिन, आपके जेठ जी का बेटा जिसे आपने बेटे की तरह पाला था, याद है ना? मैं उसी विशाल सिंह ओबेरॉय का बेटा हूं, अभय सिंह ओबेरॉय। तुम लोगों का कजिन, तू विशाल का बेटा है, मेरा पोता है, और ये बात तू मुझे आज बता रहा है? खोते आ, पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट मां, तुम्हें क्या गारंटी है कि तुम विशाल सिंह ओबेरॉय के बेटे हो? दादी ये झूठ बोल रहा है। नहीं, ये मेरे विशाल का ही बेटा है, ये सच बोल रहा है, तभी तो ये उसके बारे में जानता है। कौन विशाल? विशाल मेरे जेठ जी का बेटा था, उसे मैंने ही पाला था। उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया दादी? और जिक्र तक नहीं हुआ इस घर में। वो इसलिए कि विशाल को घर और बिजनेस से बेदखल कर दिया गया था। क्यों? इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए आप लोगों ने फैक्ट्री में आग लगवा दी, कितने मासूमों की जान चली गई और कितने परिवारों का सहारा छिन गया। What is wrong with you, विशाल? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो आग हमने लगाई है? फैक्ट्री में जो हुआ है वो it was just an accident. देखो विशाल, ये जो कुछ भी हुआ है उसका हम सबको बहुत दुख है, लेकिन एक बात समझ लो, इस हादसे में हमारा कोई लेना देना नहीं। लेना देना है, हाथ भी है। बोर्ड मीटिंग में खुद तेज भाई साहब ने कहा था कि फैक्ट्री में आग लगवा देंगे, क्योंकि उस वक्त गुस्से में आके मैंने बस कह दिया था, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने वहां जाकर आग लगवाई है।